ओम शांति। 7/6/2023 मतलब 7 जून 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा परमपिता परमात्मा द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? तो इसका उत्तर है, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं कि यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते हैं, मैंने यह एक ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह महिमा किसकी थी? तुम मात पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा थी। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गाड फादर। ईश्वर को फादर यानी बाप कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर, वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी हैं। किसके रचयिता? मनुष्य सृष्टि के रचयिता हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। तो आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप, और सभी आत्माओं का बाप है पारलौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है, आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने के लिए। तो ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गाड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा की महिमा सभी से अलग है। गाते भी हैं ओ गाड फादर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, यह है उल्टा झाड़, बीज बाप ऊपर में है। जब हम कहते हैं कि ओ गाड फादर ओ भगवान, तो ऊपर में नजर जाती है ना। तो सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है, उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप, और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडाप्ट कर फिर उनसे बच्चा पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप, यह समझना है। गाड इज वन, फादर इज वन, मतलब बाप एक है, भगवान एक है। अभी आत्मा अपने बाप को भूल गई है। बाप को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं, पतित बन गए हैं। बाप को ना जानने के कारण बहिस्त को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उस परम पिता परमात्मा की रचना है। ब्रह्मा विष्णु है सूक्ष्म बतन वासी, सूक्ष्म बतन के ऊपर है मूल बतन, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहीं की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी, वह है स्वीट गाड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन बतनों को जानना है। तीन लोग कहते हैं, मूल बतन, सूक्ष्म बतन और स्थूल बतन। तो ऊंचते ऊंच है बाप, करण कराबन हार क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडाप्ट करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है।
सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगतम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान अनुवाच, भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन हैं और अधर कुमारियाँ कौन हैं। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे, उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं वह किसका बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसा नहीं है कि बाबा आते ही नहीं हैं, गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान धरती पर आते हैं। तो इस समय यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं, मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते, पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। जब हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हमें क्यों नहीं परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे, जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है आस्पिशियस युग, संगम युग है शुभ युग। जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक, सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नरक, मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, 84 जन्म भी उन्हीं के हैं। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परमपिता परमात्मा का जन्म स्थान। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही जाकर के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी, वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उन पर कोई जीत पा ना सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे तो उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला कौन था। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, तो वह है परमपिता परमात्मा गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का तो नाम निशान नहीं है, सिर्फ देवी देवताओं के चित्र बचे हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं हैं। देवी देवता कैसे बने किसी को भी पता नहीं है। इस समय सरकार में भी कोई ताकत नहीं बची है, अपने धर्म का पता ही नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप, धर्म स्थापन करने वाला है बाप, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है,
फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है तो टीचर भी है, और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो सतगुरु भी हैं। उनका कोई फादर नहीं, मतलब परमपिता परमात्मा का कोई बाप नहीं है, वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका वह एक है, उनका कोई गुरु नहीं, परमपिता परमात्मा का कोई गुरु नहीं है, वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते हैं कि भारत अब कंगाल और पतित है, भारत को पतित बनाती है माया, रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है, सतयुग में दैवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेविन कहा जाता है। भारत ही ऊंचते ऊंच अविनाशी खंड है, भारत बाप का जन्म स्थान है, अविनाशी बाप का यह जन्म स्थान है। भारत खंड कभी भी विनाश को नहीं पाएगा और सभी खंड खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। मनुष्य समझते हैं कि परमपिता परमात्मा विनाश करवा रहे हैं तो यह हमारे लिए अकल्याणकारी है, लेकिन यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते हैं, गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ, मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान अनुवाच, भगवान कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो, तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापिस ले चलने के लिए आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट यानी मुक्ति करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य, यह बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी, भारत में पवित्रता थी तो शांति भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है, पवित्रता नहीं है तो शांति भी नहीं है, सब रोगी दुखी हैं। अभी भारत दुखधाम है, एक समय पर भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे साथ योग लगाओ, पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं ना कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है, तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह वर्ण है ना, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडाप्ट किया, यह भागीरथ हैं, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है, तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं कि यह काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, और जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी युग है, पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। सभी युगों में सबसे कल्याणकारी युग है संगम युग, क्योंकि संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें हमारी कलाएं ऊपर चढ़ती हैं, और बाकी युगों में तो हमारी कलाएं नीचे ही उतरती जाती हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र वर्ण में तो आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनेंगे। बाप समझाते हैं, भारत जीवन मुक्त था लेकिन अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे ना सके।
पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ, ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बना करके मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोए। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं क्योंकि सभी भक्त दुखी हैं। फिर सर्वव्यापी कह देते हैं तो भक्त कैसे ठहरे, यह उल्टा एक जान है। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं कि हमें इस दुख से छुड़ाओ, और फिर बाद में कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है, तो यह उल्टा एक जान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशा बली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशा बली। वह ब्राह्मण है कुख वंशा बली, वे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं कि अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, अगर बाप को भूल गए तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप कहते हैं मम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, बाकी सब हैं रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा है, बाप गाइड बन करके सबको लेने आया है, अब देह सहित सब कुछ भूल करके एक बाप को ही याद करना है। आज का वरदान है, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्चे दिल से कहो कि मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।